हेलो दोस्तों, माँ की रसोई विद आशा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए, आज मैं मछली बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं मछली बनाने के लिए हमने दो तरह के मछली लिए हैं, एक बड़ा वाला और एक हाफ के जी छोटा वाला, जो कि साबुत ही बनेंगे। और उसके लिए हमें लहसुन और पीला सरसों का पेस्ट बनाया है और मसाले और लिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो इसे हम मैरिनेट करेंगे एक बर्तन में मछली को रखकर। मैरिनेट करने के लिए हमें जो हल्दी पाउडर रखे वो एक चम्मच डालेंगे और नमक डालेंगे एक चम्मच, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच ही डालेंगे। लहसुन पेस्ट डालेंगे, लहसुन पेस्ट डालकर उसको मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक बर्तन में तेल लेकर एक कढ़ाई में उसको फ्राई करेंगे। देखिए, कढ़ाई में तेल रखे हैं, तेल गरम हो जाएगा, अच्छी तरह से तेल गरम होना चाहिए, नहीं तो मछली चिपक जाएगी तो टूटने लगेगा फिर फ्राई करने में, इसलिए तेल गरम होने दें। उसके बाद मछली को पीस हम डालते जाएंगे, सबसे बड़ा वाला पीस जो रहेगा वो पहले हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अभी हमारे पास तेल काफ़ी है बर्तन में, धीरे धीरे तेल जलने लगा और कम होने लगता है, इसलिए बड़ा वाला पीस पहले हम निकाल लेंगे। फिर इधर जो छोटा वाला पीस आपको दिखाए थे जो साबुत बनती है, वो भी मिला रहे हैं मसाले में। पूरा इसमें जो मसाला चाहिए वो अभी ही डाल देंगे, इसमें हम डालना जो पेस्ट बनाए थे वो डाल रहे हैं, और हल्दी पाउडर भी डालें और लाल मिर्च पाउडर भी डालें और नमक स्वाद अनुसार डाल दें इसमें, इसमें ग्रेवी झोर नहीं लगेगा, इसलिए अभी ही जो चाहिए आपको स्वाद अनुसार नमक और जो मसाले और मछली पाउडर जो आता है मसाले वो भी डाले हैं, डालकर मिला लिए। अब इधर जो बड़ी वाली जो पीस हम फ्राई कर रहे थे वो फ्राई हो गया है मेरा, देखिए पूरा फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, और जो साबुत मछली बना रहे थे फ्राई, वो भी फ्राई हो चुकी है। आप लेकर ऐसे ही खा सकते हो, ऐसे ही सूखा हुआ बहुत बढ़िया लगेगा। उसके लिए मैंने आपके जी बनाया था, और जो बड़ी वाली पीस बनाई थी उसका अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो देखिए, ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं मछली की ग्रेवी। जो फ्राई किया हुआ तेल बची हुई थी उसमें हम काले सरसों डाल रहे हैं फ़ौरन के लिए, फ़ौरन जब गर्म हो जाएगा तब उसमें हम मसाले छोड़ेंगे। मसाले में जो पेस्ट बनाए थे लहसुन और पीली सरसों का ही पेस्ट होना चाहिए, पेस्ट के लिए पीला सरसों ही ठीक रहता है। पीला सरसों का पेस्ट बनाए थे, 50 ग्राम पीला सरसों का पेस्ट बनाए थे, लहसुन पीला सरसों का वो पहले हम भुनेंगे कि लहसुन का इसमें गंध रहता है और सरसों बढ़िया से भुनाना चाहिए, वो पहले हम भून रहे हैं। उसके बाद फिर मसाले जो हल्दी पाउडर लिए थे वो डाल रहे हैं, धनिया पाउडर जो लिए हैं दो दो चम्मच करके वो डाल रहे हैं। तीता में आप जैसा पसंद कर रहे हो जितना उतना आप डालें, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर इसको भूनेंगे, बढ़िया से चलाते रहेंगे हम। जब मसाले हल्की हमारे भुन आ जाए तो फिर इसमें जो बारीक हम टमाटर काट कर रखे थे वो डालेंगे, देखिए जो टमाटर काट कर रखे थे वो डालें। टमाटर हम इसलिए डालें कि हमारे पास अभी आमचूर पाउडर नहीं है, अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो बहुत बढ़िया ही रहेगा, उसके जगह पर हम टमाटर डाले हैं थोड़ा सा खटापन टेस्ट के लिए। टमाटर डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं टमाटर गलने के लिए और मसाले पकने के लिए। उसके बाद एक बर्तन से आप ढक दें, कम चूल्हा करके उसको हम ढक दिए। जब टमाटर हमारा पक गया तो देखें, चलाएं और देखें कि मसाले हमारे भुनाया है नहीं, बढ़िया से मसाले जब तेल छोड़ने लगे बढ़िया से भुनाना चाहिए, क्योंकि सरसों के मसाले हैं, कम भुनी रहेगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा आपका। सरसों के मसाले बढ़िया से भुनाना चाहिए,
बिल्कुल तेल अच्छी तरह से छूटना चाहिए, लाल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही पानी आप छोड़िए इसमें। तो मसाले भुना गया है, लगभग तैयार हो गया है, तेल छूट रहा है। इसी तरह आप मसाले भुने और फिर उसमें पानी डालें, चलाकर देखते रहें, धीरे धीरे पानी डालें, जितना पानी आपको चाहिए ग्रेवी के लिए उतना पानी डालें। ऐसे भी मछली का ग्रेवी पतला ही अच्छा लगता है, ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पतला ही बनाएं ग्रेवी मछली का। और जब जो पानी आप डाले और मसाले खोल गए, उसके बाद अब मछली जो फ्राई करके रखे हैं उसमें डालें, डालकर देख लें हल्का चला करके कितना ग्रेवी आपको चाहिए, उसके बाद थोड़ा देर खोलने दें तो देख ले कि तेल आपका ऊपर आ जाए, तो समझिए कि मछली मेरा बिल्कुल तैयार है। तो मछली आपको बिल्कुल तैयार है, देसी स्टाइल मछली आप बनाकर आजमाइश करके देखें, बहुत ही अच्छा लगेगी। तो दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, इसे आप जरूर बनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।